हेलो दोस्तों, क्लास 12th और 10th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग मानव नेत्र पढ़ रहे हैं। आज इसके सेकंड लेक्चर में हम सब लोग मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दृष्टि दोष के जो हमारे नेत्र में पाए जाते हैं वो टोटल मुख्यतः चार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता। ठीक है, तो अभी पहले लेक्चर में हम सब लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, और एक यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता एक आता है। उसमें क्या होता है कि मानव नेत्र जो है वो कलर को डिफाइन नहीं कर पाती है। रेड ग्रीन कलर का दिखाई देता है और ग्रीन रेड कलर का दिखाई देता है। यही चीज़ होता है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। ये भी मानव नेत्र में पाया जाने वाला दृष्टि दोष होता है। तो चलिए हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये चीज़ नहीं कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई देती। इसका मतलब यह है निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई तो देती लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ऐसा अगर किसी व्यक्ति की आंखों में हो रहा है तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। कारण क्या होता है, हम ये चीज़ तो जानते हैं कि जो नेत्र के अंदर लेंस पाया जाता है वो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके कहाँ पर भेजता है किरणों को, रेटिना पर। ये जो आँख का पीछे वाला भाग जो होता है वो रेटिना होता है। ठीक, तो ये पूरी की पूरी प्रकाश किरणें जो आती हैं नेत्र लेंस जो होता है, जो प्रकाश किरणें आती हैं वो नेत्र लेंस उनको यहाँ पर पीछे की ओर पीछे की ओर चाहे जैसी आ रही हो ये पीछे की ही ओर भेजता है। ऐसे आ रही है तो यहाँ पर ऐसे भेजेगा, तो ये पीछे की ओर इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है। तो यहीं पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब, क्योंकि ये हो गई आपतित किरण, ये लेंस हो गया। एक मानव नेत्र में एक लेंस पाया जाता है अभिसारी जिसको कहते हैं। ठीक है, या नेत्र लेंस, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित, ये यहाँ पर मिल रही, जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसमें क्या होता है कि रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। ये पहले मिल रही है ना, तो रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, इसी कारण ऐसा होता। होता किस लिए है, तो इस नेत्र गोला जो है ये नेत्र लेंस जो है इसकी फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या प्रभावित होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो इस प्रकाश किरणों को हमको मिलाना पड़ेगा पीछे की ओर, यानी ये जल्दी इकट्ठा हो रही है, तो इनको ऐसा मिलाएं कि बाद देर में इकट्ठा हो। तो उसके लिए अवतल लेंस करेंगे। काम क्या करता है अवतल लेंस, यहाँ पर अवतल लेंस का काम होता है, देखो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। देखो ऐसे जा रही थी, इसने इकट्ठा किया। ये अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को जो यहाँ पर अगर अवतल लेंस रखेंगे तो ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा और फिर ये वाला उत्तल लेंस इसको एकत्रित करेगा और वो पीछे की ओर एकत्रित होगा। ज्यादा एकत्रित कर रहा है, कम करे, कम करने के लिए हम अवतल लेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अवतल लेंस लगाएंगे, उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस जैसा कि चाहिए, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि ये लगाना है। तो ये वाला अवतल लेंस इस वाली जो प्रकाश किरणें आ रही इसको फैलाएगा, ये फैलाएगा, अब ये उत्तल लेंस इसको इकट्ठा करेगा। ठीक है, तब यहाँ पर ये केंद्रित होगा, ऐसा इकट्ठा करेगा कि ये रेटिना पर पिछले वाले भाग पर ही केंद्रित हो। ठीक है, अब आगे सेकेंड जो है हमारा दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वो भी स्पष्ट दिखाई तो देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती किंतु तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या होता है इसमें, कारण क्या होता है इसमें, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, इसमें रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष मतलब पीछे, निकट मतलब पास में बन जाता है। तो नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। तो ये नेत्र लेंस है, मानव नेत्र, ये नेत्र लेंस, ये किरणें आ रही ये रेटिना के पीछे केंद्रित करता है लेंस। ठीक है, ये लेंस ऐसा काम करता है कि रेटिना के पीछे केंद्रित करने लगता है प्रभावित होकर के। ठीक है, प्रभावित होता किससे, वक्रता त्रिज्या। तो निवारण क्या किया जाता है, पीछे यानी कम इकट्ठा हो रही, ऐसा लगाया जाए कि आगे इकट्ठा हो, इसमें पीछे इकट्ठा कराना रहता, फैलाने का काम किया गया था, पीछे पीछे लाने का काम अवतल लेंस, अवतल फैलाएगा फिर ये केंद्रित करेगा, क्योंकि ये ज्यादा केंद्रित कर रहा है,
तो यहाँ उत्तर लगाएंगे, तो ऐसे आएंगी तो ज्यादा केंद्रित हो रही और फैल करके आएंगी, तो ये कम केंद्रित पर कर पाएगा जिससे ये पीछे मिलेंगी। अवतल का काम यही होता है। उत्तल क्या करता है, उत्तल अगर जब रखेंगे यहाँ पर उत्तल लेंस, तो ये जो प्रकाश किरणें आ रही थी ये और ज्यादा केंद्रित होंगी, पहले इस उत्तल लेंस द्वारा केंद्रित होंगी और फिर इस उत्तल लेंस द्वारा केंद्रित होकर के रेटिना पर यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट प्रतिबिंब बना देंगी, उचित फोकस दूरी वाला जैसा कि चाहिए। ये नहीं हर एक चश्मे का प्रयोग, मतलब हर एक लेंस जो चाहे वहाँ यहाँ पर रख देंगे तो सभी नहीं कर पाएंगे, जिसकी फोकस दूरी चाहिए होगी जो इसको यहाँ पर केंद्रित करा दे, यहाँ से यहाँ पर केंद्रित करा दे, ठीक है। तो ये वाला अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस मिल करके यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। अबिंदुता क्या होती है, इस चौथा टॉपिक, यहाँ जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये ज़्यादातर बुजुर्ग वाले लोगों में होता है। होता क्या है इसमें, इस दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता जो है, ये नेत्र लेंस है, इसकी समंजन क्षमता यानी फोकस दूरी ये समायोजित नहीं कर पाती है, यानी आगे मिलने लगेगा, पीछे मिलने लगेगा, दोनों ओर मिलने लगती हैं, घट जाने के कारण ऐसा होता है। निवारण कैसे किया जाता है, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए होता है, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाते हैं और निचले वाले भाग में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पास की वस्तुएं दिखाता है, अवतल लेंस दूर की वस्तुएं दिखाता है, ठीक है। तो दूर को देखने के लिए, दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, इसमें देखो दूर वाली वस्तुएं नहीं दिखाई देती स्पष्ट, तो दूर वाले के लिए हमने किसका प्रयोग किया, उत्तल अवतल, और पास वाली वस्तुओं को इसमें क्या होता है, निकट वाली वस्तुओं के लिए इसके लिए उत्तल का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अबिंदुता क्या होता है, इस दोष में होता क्या है कि अगर व्यक्ति से कुछ दूरी पर एक वस्तु है तो उसकी आंखें जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये क्षैतिज हो गई, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये दोनों एक साथ नहीं देख सकता, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसके अनुदेश ये वाली क्षैतिज हो गई, ये क्षैतिज रखेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, इन दोनों इन सभी रेखाओं को ये एक साथ नहीं देख सकता है अगर किसी व्यक्ति को होगा। कारण क्या होता है, कार्निया की आकृति जो है, जो कार्निया आँख के ऊपर, आँख जो है ये हमारा ब्लैक कलर का, इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, यही कार्निया होती है, और ये काले वाले भाग पर ही पाई जाती है, तो इसलिए गोल है, तो गोल नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है। निवारण क्या किया जाता है, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक उचित फोकस दूरी वाले बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेलनाकार लेंस बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि चश्मे के नीचे लगा होता है लेंस, चश्मा पहना फिर नीचे अलग से ऊपर से लेंस लगाया जाता है, वही होता है। अब सामान्य या स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर जो बुक हम पढ़ेंगे 25 सेंटीमीटर तक, चाहे पीछे से जितनी दूर, अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो पीछे से चाहे कितनी दूर भी पढ़ो, लेकिन 25 सेंटीमीटर एकदम एग्जैक्ट है, इससे आगे पढ़ेंगे तो एकदम मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब तो दिखाई देगा, लेकिन एकदम परफेक्ट जो प्रतिबिंब होता है दिखाई देते हैं कोई चीज़ें जो 25 सेंटीमीटर तक ही दिखाई देती हैं, बाकी दूर बिंदु चाहे जहाँ से आप देखो अनंत बिंदु तक हमारी आंखें देख सकती हैं, स्वस्थ हैं अगर जो, कोई दोष नहीं उसमें, दृष्टि दोष नहीं, तब निकट बिंदु यानी 25 से अनंत तक हम देख सकते हैं, 25 के पहले भी देख सकते हैं, लेकिन 25 एकदम परफेक्ट माना गया है, जिससे आँख की आँख पर जो है ज़्यादा आज आँख की ज़्यादा क्षमता यूज में ना आए, ठीक है। बस यही इतना टॉपिक था, बस इतना समझना है। आगे केंद्रित हो जाता है इसमें निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब आगे बनने लगता है, दूर दृष्टि दोष में पीछे बनने लगता है, और ये जल्दी मिला रहा है, जल्दी एकत्रित कर रहा है तो फैल, देर में एकत्रित करना है तो पहले फैलाएंगे फिर इकट्ठा करेगा। तो हमने जो प्रकाश किरण आ रही अवतल लेंस आगे रखा चश्मा, अब ये फैलाएगा, फैला करके नेत्र लेंस में भेजेगा, अब ये कम फैला पाएगा क्योंकि ये दूर से आ रही हैं, इसका काम होता है इकट्ठा करना, इसका काम होता है फैलाना, ठीक। तो ये फैलाया और इसने एकत्रित करके यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया, इसमें देखो ये ज़्यादा दूर तक बना रहा है, पीछे एकदम कम इसकी पावर है, तभी तो ये पीछे केंद्रित कर रहा है, ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है यानी पावर ज़्यादा है, कम इकट्ठा कर पा रहा है यानी पावर कम है, तो इसलिए ये भी लेंस लगाएगा, ये भी इकट्ठा किया, तो ये वाला इकट्ठा किया कुछ, कुछ ये इकट्ठा किया, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, यही ऐसा होता है। तो बस यही इतना इस लेक्चर में था, नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक हम देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।